वैसे तो नेता चुनावों में किए वादे कम ही पूरा किया करते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं भी पूरे होते। ऐसे ही मोदी जी ने भी काफी वादे किए थे, जैसे कि काला धन वापस आएगा, हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख, और भी कई वादे। लेकिन आज इस वीडियो में हम उस वादे की बात करेंगे जो मोदी जी ने पूरा किया। 2013 में एक भाषण में मोदी जी ने कहा था कि वे सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू बनाएंगे जिसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी होगा। दुनिया का हर देश पूरे विश्व पर छा जाने के लिए कोई न कोई तौर तरीके ढूंढता है, मतलब हमारा भी एक सपना है, उस सपने में मुझे आपकी मदद चाहिए। करोगे? पक्का वादा? वो भरोसे वाली बात नहीं होनी चाहिए। मित्रों, हम गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व का सबसे ऊंचा स्मारक बनाना चाहते हैं, और सबसे ऊंचा मतलब पता है, आज दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, हम बनाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और उसकी साइज होगी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से डबल। और ऐसा ही हुआ। 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण कर उसे देश को सौंपा। ये पूरे विश्व की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जा रही है। गुजरात के वडोदरा के पास नर्मदा जिले में स्थित सरदार सरोवर बांध 3.5 किलोमीटर नीचे की तरफ राजपिपाला के निकट साधुबेट नामक नदी द्वीप पर 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगाई गई। मात्र 33 महीनों में तैयार हुई ये प्रतिमा चीन के केंद्रीय हेनान प्रांत में स्थित सिरपिंग टेंपल की 11 सालों में निर्मित 153 मीटर ऊंची प्रतिमा से भी ऊंची है, और न्यूयॉर्क के स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई से करीब दुगनी है। तो ये वादा तो मोदी जी ने पूरा किया। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है। हम उम्मीद करेंगे कि मोदी जी अपने बाकी किए वादे भी जल्द ही पूरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।